सिटी इंडिया की बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारी आज दिल्ली कूच करेंगे। आंदोलनकारी आज शंभू बॉर्डर के साथ खनौरी बॉर्डर से भी दिल्ली जाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए आंदोलनकारी बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। रात से आंदोलनकारी बैरिकेड तोड़ने के लिए अपने साथ बड़ी बड़ी मशीनें भी लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच पंजाब के डीजीपी ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि पंजाब के डीजीपी यह आदेश दे चुके हैं कि पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी गाड़ियों और मशीनों को ले जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पुलिस निर्देश दे रही है कि इन मशीनों को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ले जाने से रोका जाए। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए किस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी मशीनों के साथ ये सभी पहुंच रहे हैं। जेसीबी है इनके पास में, क्रेन्स है इनके पास में, और तो और आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए भी अपने साथ मशीनें लेकर आए हैं। पतंगबाजों को आगे रख रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का अगर ड्रोन उड़ाया जाता है तो ये उससे भी बच सके, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि इस तरीके से ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और इस बार ये बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं। बैठक हुई लेकिन सभी बातचीत फेल रही, किसान कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं है। पांच फसल जिन पर एमएसपी तय कर दी गई कि बढ़ा दी जाएगी या चीजें कर दी जाएंगी, लेकिन वो इस पर नहीं माने हैं। उनका कहना है कि जो हम फसलें बता रहे हैं सभी पर आप विशेष सत्र लाइए और कानून बनाइए एमएसपी पर। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पंजाब के डीजीपी को हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर बड़ी और हेवी मशीनों को ले जाने पर रोक का आदेश आखिर जारी करना पड़ा क्यों। इसके पहले हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को एक पत्र लिखा था और गृह मंत्रालय का पंजाब के मुख्य सचिव को, इसके बाद हमने देखा कि कैसे निर्देश भी जारी किया गया, आग्रह किया गया था बाकायदा। और देखिए हरियाणा के डीजीपी ने बड़ी मशीनों के बॉर्डर पर पहुंचने से कानून व्यवस्था के खराब होने का हवाला दिया। इसके साथ ही बॉर्डर पर तैनात पुलिस कर्मियों की जान को खतरा भी बताया गया। और इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने भी पंजाब के मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की थी। पंजाब के मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था खराब करने वाले उपद्रवियों पर एक्शन लेने के लिए कहा गया था। बस इसी के बाद पंजाब के डीजीपी के आदेश आया और पंजाब साथ ही हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी और हैवी मशीनों को ले जाने पर रोक लगा दी गई है। और हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी दिल्ली कूच की रणनीति तैयार कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे आंदोलनकारी हरियाणा पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़ने के लिए जेसीबी लेकर आ रहे हैं, हाइड्रोक्लोनिक क्रेन लेकर आ रहे हैं, ऐसी ऐसी हैवी मशीनरीज के साथ पहुंच रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और पहले मिलिट्री फोर्स भी अलर्ट हो गई है। शंभू बॉर्डर पर सीमेंट के गार्डर, कंटीली तारे बिछा दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से इन सभी को रोका जा सके। और पुलिस ने 8 दिनों से आंदोलनकारियों को वहीं रोका हुआ था, लेकिन अब ये फिर से दिल्ली कूच का आह्वान कर रहे हैं और इस बार बड़ी तैयारी के साथ आते दिखाई दे रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात भर से ही वहां पर आंदोलनकारी इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों को रोका गया, बैरिकेड तोड़ने की इनकी तैयारी। और किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला केंद्र से हुई मीटिंग के बाद लिया है। केंद्र ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी कि 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। किसानों ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि पेज आखिर फंसा हुआ कहां पर है। देखिए सरकार का प्रस्ताव ठुकराने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की और बातचीत से समस्या का समाधान निकालने की बात भी कही। एमएसपी गारंटी वाला कानून जिसके ऊपर सहमति अभी नहीं बन पाई है, हालांकि 5 फसलों के ऊपर एमएसपी की बात सरकार की तरफ से कही गई थी। देखिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो ये बार बार किसान कह रहे हैं, अभी इस बात के ऊपर भी सहमति नहीं बन पाई है। और वहीं किसानों की कर्ज माफी पूरे देश में हो जाए, जितने भी किसान है अभी तक जो भी कर्ज उन्होंने लिया है उसको माफ कर दिया जाए, ये भी रातों रात होने वाला काम नहीं है। मतलब इधर किसानों ने कहा और उधर सरकार मान ले, ये संभव नहीं है। तो ये भी अभी एक मुद्दा जिसके ऊपर सहमति नहीं बन पाई है। बड़ी बात यह है कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून, सरकार ये कह रही थी कि 5 फसलों के ऊपर हम दे देते हैं आपको गारंटी, लेकिन इसके ऊपर भी किसान नहीं माने। अभी यहां पर भी अधर में मामला लटका हुआ है क्योंकि उन्हें हर फसल के ऊपर गारंटी चाहिए एमएसपी की। हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं।
और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस समाचार उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है, पर ये बातचीत ये वार्ता यह संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा देखिए अपील कर रहे हैं, लेकिन अपील के बाद भी किसान दिल्ली कूच की तैयारी में, आंदोलनकारी शंभू बॉर्डर पर डटे हैं और अब बैरिकेटिंग तोड़ने की इनकी तैयारी है। आंदोलनकारी शंभू बॉर्डर पर बड़ी गाड़ियों और मशीनों के साथ पहुंच रहे हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि करीब 16 ऐसी मशीनें शंभू बॉर्डर पर लाई जाएंगी, जबकि 4 ऐसी मशीनें पहले ही वहां पहुंच चुकी हैं। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों ने अब दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। 11 बजे के आसपास दिल्ली के लिए किसान यहां से निकलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तैयारियां दिखा देते हैं। यहां पर करीब आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियां में भरकर रेत को यहां पर लाया गया है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने हरियाणा नहीं नहीं इसमें मिट्टी है, हरियाणा पुलिस ने गड्ढे खोद दिए तो रास्ता बनाने के काम आएगी। गोले बरसाएंगे हम मिट्टी से, पूरा उसको बनाएंगे, करेंगे मिट्टी के साथ। शगन है शगन, मोदी कितनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाई गई वो हम थोड़ी बताएंगे, ऐसे आज रात ऐसे नहीं बताएंगे, लीक नहीं करते, लीक नहीं करेंगे। और देखिए आज रात का टाइम है, जो करना पक्का कर लो, सवेरे सारा चक देंगे, बाद में आने के पंजाबी आने आगे कच्चे थे, पहले कह रहे थे अज का टाइम है, लेंटर पाना, लेंटर भी बालो भी चक देंगे। किसानों के हौसले है, कह रहे हैं लेंटर डाला, लेंटर डाल लीजिए। और इस तरीके से यहाँ पर जो किसानों की एक तरीके से मंशा है वो ये है कि सरकार को समय दिया गया है, सरकार अपना अगर फैसला नहीं करती है तो दिल्ली कूच किया जाएगा और दिल्ली कूच करने के लिए बकायदा यहाँ पर इंतजाम ये किए जा रहे हैं, क्योंकि बीच में घग्गर नदी है और घग्गर नदी पर ही जो डेरा हरियाणा पुलिस का है, अर्धसैनिक बलों का है, और अब उस डेरे को आगे क्रॉस करने के लिए हरियाणा पुलिस ने आसपास गड्ढे खोदे हुए हैं। अब उन गड्ढों को भरने के लिए यहाँ पर किसानों ने कई दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर ये मिट्टी की बोरियां यहाँ पर मंगाई हैं और इसका इस्तेमाल अब जो ये नदी को पार करने के लिए किया जाएगा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं युगल हमारे सहयोगी, और इससे आप समझिए कि किस तरीके से भारी मात्रा में यहाँ पर ये रेत की बोरियां यहाँ पर लाई गई हैं और इनका इस्तेमाल किया जाएगा जो रास्ता बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने आसपास एक तरीके से जो जेसीबी की मदद से जो गड्ढे खोदे हुए हैं उसको भरने का यहाँ पर इनका इस्तेमाल उसमें किया जाएगा। और एक नहीं ऐसी कई सारी ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ पर हैं, आप देखिए भारी संख्या में युवा यहाँ पर लगे हुए हैं जो इन मिट्टी की बोरियों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों से नीचे खाली कर रहे हैं। एक के बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ पर पहुँच रही हैं और पूरी कोशिश ये है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाई जाए और रात में ये सारे इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ मानव यादव, न्यूज 18 इंडिया, शंभू बॉर्डर। तो किसानों की तैयारी तो आपने देख ली, उधर हरियाणा की अंबाला पुलिस ने भी संदिग्ध ड्राइवर्स के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। ये वही ड्राइवर है जो कि बड़ी मशीनों के साथ आंदोलन में पहुंचे हुए हैं। पुलिस को यह शक है कि इन बड़ी मशीनों के जरिए ये ड्राइवर्स सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुलिस ने इन ड्राइवर्स की फोटो भी अब जारी कर दी है, तस्वीरें उन्हीं ड्राइवर्स की इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये संदिग्ध ड्राइवर है जो कि बड़ी मशीनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही खतरा, यही अंदेशा जाहिर किया गया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान उन बड़ी मशीनों के साथ पहुंचाया जा सकता है। तो अहम खबर, आंदोलनकारी बड़ी बड़ी मशीनों के साथ शंभू बॉर्डर पर इस वक्त इकट्ठा हो चुके हैं और वो ड्राइवर जो बड़ी मशीनें लेकर के पहुंचे हैं, अब उनको उनका उनकी तस्वीर जारी की गई है। और किसी भी तरीके की अफवाह ना फैलने पाए, इसीलिए आपने देखा था पिछली बार इंटरनेट सेवा बंद की गई थी और इसीलिए इस बार 7 जिलों में जो इंटरनेट सेवा की जो समय सीमा है उसे बढ़ा दिया गया है। आज रात 12 बजे तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहने वाली हैं। तो हरियाणा के ये 7 जिले जो कि शंभू बॉर्डर से लगते हुए हैं, जब आप शंभू बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो आपको कुरुक्षेत्र मिलेगा, कैथल मिलता है, हिसार मिलता है और जींद मिलता है। इसीलिए इन सभी जो जिले हैं, जो 7 जिले हैं, वहां पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है। और सरकार और किसानों के बीच में अब तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ये 4 दौर की बातचीत तारीख सहित आपको हम बताते हैं। देखिए, जो पहली बैठक हुई थी 8 फरवरी को हुई थी और इस दौरान 2 घंटे से ज्यादा की चर्चा की गई थी, लेकिन
कोई नतीजा नहीं निकला। फिर दूसरी बैठक 12 फरवरी को हुई थी और इस बैठक में 5 घंटे तक बातचीत हुई थी किसान नेताओं और सरकार के बीच में। फिर तीसरी बैठक 15 फरवरी 2024 को 6 घंटे यहाँ भी बातचीत हुई और चौथी बैठक जो हुई है 18 फरवरी 2024 को 5 फसलों पर MSP गारंटी का प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया था, जिसे किसानों की तरफ से पूरी तरह से ठुकरा दिया गया।